सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है। किस चीज का पता है? इस चीज का कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है। तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है। किस चीज की खुशबू जाती है? जो चीज बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी। लीजिए और छिपाइए, जीजी तो खुशबू से भी पहचान लेती है होंगी कि किस दिन ऑमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। जरूर जान लेते हैं। आज सवेरे तुमने ऑमलेट बनाए थे कि नहीं? जी जी, जब तुम खुशबू पहचानती हो तब तो जरूर तुम भी ना। हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला लो। खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही होती है। खाया नहीं है तो क्या, सूंघा भी नहीं है? बड़ी भाभी, तुम्हारी नाक तो बहुत तेज है। बड़ी भाभी की नाक ही नहीं, आंखें भी बहुत तेज है। देखो भाभी, अब तुम तो सब जानती ही हो, मगर भैया को नहीं बताना। उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो। माफ कर दे तो बड़ी बड़ी बात माफ कर दे, और नाराज हो जाए तो सब छोटी से छोटी बात पर। वे नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो कि उन्हें ना बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगी। मगर यह बात ठीक नहीं कि सब दरवाजे खुले हैं और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो। कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना ना कहना सब बराबर है। ये बात तो तुमने ठीक कहा भाभी। मैंने कितने ही बार इससे कहा है कि सारे दरवाजे बंद करके कुछ बनाना ही होता है तो सारे दरवाजे बंद करके बनाया करें। श्याम, बाहर का दरवाजा बंद कर दे। श्याम, पहले जरा ये केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दे और मुझे घी का डब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा बना दूं। बनने में 1-2 मिनट ही लगेंगे। अलमारी से प्लेटें भी निकाल ले। जी जी, थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना। भैया, हमने कह दिया कि हमने ना कभी खाया है और ना कभी खा सकते हैं। पास बैठे हैं इसलिए चाय की एक प्याली जरूर ले लेंगे। तुमसे कहा था साथ किशमिश भी लाना, लाए हो? किशमिश तो भूली क्या भाभी, कहो तो अभी जाकर फिर ले आता हूँ। अब रहने दो, मुझे यह नहीं कहना कि हलवा अच्छा नहीं बना बगैर किशमिश के अंडे का हलवा। वीना, ओ वीना, गोपाल अभी आया कि नहीं?